रखा था, उसके बाद अब उन आदिवासी बच्चों को बंद करके बंदी बनाकर रख लिया गया है। उनकी सजा है कि उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, खराब खाना मिलने की खबर को उठाया, बात को उठाया। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। पन्ना के मधवा कला के माध्यमिक स्कूल में खेल का सामान कई सालों से कबाड़ की दुकान बना हुआ है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते सामान इतना बेकार हो चुका है कि वो अब बच्चे उससे नहीं खेल सकते। वहीं इस मामले में स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि ये सामान कई सालों से एक कमरे में रख दिया गया था, जब से ऐसा ही रखा हुआ है। इस मामले में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक साल अभी होगा, पहले तो होता रहा। अच्छा, अभी रखा हमने ये यहाँ से, जब से तो होता रहा, उसका उपयोग होता रहा, फिर अभी एक साल से टूट टाट गया। फुल साल लड़कों ने तोड़ा रहा, लायक नहीं है, उसके दिन मरम्मत करिएगा तो फिर से वो चालू हो सकता है। अब वो वैसे सामान वो दिखता है, वो टूट गए हैं। जी हाँ, मेरी जानकारी में 3-4 वर्ष गुर से रखा हुआ है। मेरी गृह ग्राम पंचायत है। मैंने आज तक तो न बच्चों को खेलते देखा है और न सामान देखा है। अच्छा। मैंने 2 बार देखा है, मैंने 2 बार कहा भी है कि सामान रखा है, इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद कोई उपयोग नहीं रखा है ना, मैंने दी है। किसको किसको दी? मैंने CAC से कहा। अच्छा। और BRC से कहा। तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल है, शासन की राशि का दुरुपयोग किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। प्रदेश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश सरकार पिछले 6 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।